सर आपने देखा, जैसे बता रहे कि आप मुंबई के और बैंगलोर के फैन हैं, तो आप रोहित और विराट के भी फैन होंगे, तो आप क्या देख रहे हैं कि इस T20 वर्ल्ड कप में ओपन करता कौन दिख रहा है? रोहित विराट जाएंगे या फिर रोहित के साथ जो है यशस्वी जाएंगे, विराट नंबर 3? नहीं नहीं, पर्सनली आई डोंट वांट विराट, मतलब कि मैं तो रोहित और यशस्वी के साथ ओपन कराऊंगा, क्योंकि यार देखो पावर प्ले में अभी आप कोई भी जो टीम जीत रहा है, SRH, KKR, उनका आप देखो स्ट्राइक रेट, जो ओपनर है 230-220, विराट कोहली ओपन करते हुए अभी भी शायद 150 पे खेल रहा है, तो दैट इज नॉट गुड। मतलब आप वर्ल्ड कप में हम लोग हार रहे ना, राइट? तो जब हार रहे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हार रहे हैं, हम लोग हार रहे हैं, तो कुछ चेंज ही कर लो यार। मतलब आप रोहित विराट साथ गए, 4 साल चले गए वर्ल्ड कप में, पिछले साल से पिछले साल कुछ नहीं हुआ, तो जब हार ही रहे हो और हारना है तो कुछ चेंज करके देख लो, क्या बोला जीत जाओ, एटलीस्ट सीख तो लोगे ना कुछ ना कुछ। तो मतलब मैं तो वही बोलूंगा कि रोहित के साथ ओपन करेंगे यशस्वी, वो सही रहेगा। अब विराट तो खेलने तो 3 ही भी खिलाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक दैट विल बी गुड। आप देखो ऑस्ट्रेलिया में मिशेल मार्श आ रहा है, इंग्लैंड में बेयरस्टो या विल जैक्स आएगा, अफ्रीका में मार्कर आ रहा है, हमारे पास विराट कोहली आ रहे हैं जो कि अपना स्लो थोड़ा खेलेंगे, तो विराट को अब नंबर 3 देखना चाहोगे? मतलब वही देखना पड़ेगा, हम तो देखना भी नहीं चाहेंगे लेकिन देखना वही। अच्छा, आप विराट के फैन हो? आप विराट को वर्ल्ड कप, इंडिया टीम के फैन है, मतलब हम वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो विराट का टीम में होना जरूरी नहीं है? नहीं जरूरी है, 11 में था विराट, 7 में था, हाँ। नहीं था विराट, 7 में जीत गए ना। तो पर आप एक बार बताओ, वो 82 वाली जो इनिंग्स है, हाँ। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूंगा, बहुत अच्छा नहीं है, हाँ। वो बहुत अच्छा है, लेकिन देखो चेज इज नेवर अ इशू, आप चेज के लिए 220 दो, विराट चेज कर देगा, कोई भी चेज कर जाएगा, टारगेट सेट करना बहुत बड़ा इशू है, हम लोग को पता नहीं कितना कितना टारगेट सेट करना है। आप बताओ, हम लोग लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में 10 ओवर में 1 विकेट गिरा हुआ है और स्कोरबोर्ड में 60 रन है, भाई या तो तुम 60 रन पे अगर 5 हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। तुम्हारा विकेट एक गिरा है, तुम मार भी नहीं रहे हो, तुम 60 रन पे रुके हुए हो, तो भाई क्या मतलब है ऐसे, मतलब ऐसे स्कोर का? तो फिर पांड्या के मारा लास्ट में। तो फिर अब यहाँ पे विराट फैंस का सवाल ये भी आ सकता है कि यार अगर विराट नहीं है तो फिर रोहित का भी जगह बनता नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप में उनके स्टैट्स अगर T20 वर्ल्ड कप में रहे तो बहुत बुरे हैं। हम मानते हैं, लेकिन हम बस रोहित को ये फेवर दे रहे कि रोहित एटलीस्ट चेंज किया अपने आप को। आप देखो 2 साल पहले रोहित कैसे खेलता था, 20 बॉल आराम से फिर मारता था, अभी वो चेंज कर लिया, क्योंकि भाई आओ मारो जाओ। विराट अभी भी चेंज नहीं किया, विराट अभी भी सेम टेम्पलेट जो 3 साल पहले था, 5 साल पहले था, अभी भी सेम टेम्पलेट से खेल रहा है, तो वो चेंज अभी तक किया नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। चलो ये तो एक रही कि विराट और रोहित के बीच में जो फैंस के जो बीच में बातचीत है, लेकिन इसके अलावा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सबसे बड़ा आर्च राइवल पाकिस्तान है, क्या राइवलरी रहेगी और वर्ल्ड कप में क्या रहने वाला है यार? वो तो मतलब उनका बस 2 ओवर पे है, अगर शाहीन अफरीदी विकेट ले गया तब तो कुछ हो सकता है, बट आप अगर टीम वाइज देखो तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं, मतलब पाकिस्तान आई डोंट थिंक क्वालिफाई भी करेगा, मतलब उनको आते ही नहीं खेलना, उनके पापा रिजॉन अभी टुक टुक करते रहते हैं, 40 बॉल 50 रन, 50 बॉल 60 रन, वैसे तो आप जीत नहीं सकते हो, तो पाकिस्तान में दम नहीं है, बस एक अच्छा प्लेयर है शाहीन अफरीदी, अगर उसका बॉल स्विंग हो गया ऊपर से कोई आउट कर दिया तो कुछ हो सकता है, वरना तो कोई चांस नहीं है, दूर दूर तक चांस नहीं है। तो जिस तरह से आपने सुना यहाँ पे बता रहे हैं भाई ने, जिस तरह से कोई चांस ही नहीं है, तो अच्छा एक लास्ट, इंडिया वर्ल्ड कप जीता है नहीं, प्रेडिक्शन आपके? नहीं नहीं जीतेगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चांस ही नहीं है भाई, टीम देखो यार ऑस्ट्रेलिया का टीम देखो भाई, वर्ल्ड कप इंडिया जीत रहा है या नहीं, कब इंडिया ही जीतेगा भाई, मतलब अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो आप देखो ऑस्ट्रेलिया का लाइनअप, वार्नर, हेड, मगर, स्टोइनिस, मैक्सवेल, मगर का जाएगा उसकी जगह, हमारे पास आज हमारा फिनिशर कौन है, पांडे जडेजा, आपको कॉन्फिडेंस आता है पांड्या जडेजा पे, अगर मान लो 2 ओवर में चाहिए 35 रन वो मार देंगे, तो इस बार आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप पांड्या जडेजा में जडेजा को रोको, आप दुबे को लेके जाओ, दुबे अच्छा, हाँ ले जाओ लेकिन नहीं लेके जाएंगे, अच्छा। ले जाओ लेकिन लेके नहीं जाएंगे, ये पता है, तो इसलिए हम बोल रहे कि नहीं जीतेंगे, अब का सलाम कि देखो लेके जाना चाहिए लेकिन लेके जाएंगे नहीं, मतलब ही नहीं है। लोग तो वर्ल्ड कप में देखते हैं, होपफुली हम चाहेंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, लेकिन अगर नहीं जीता तो भाई किस्मत है, तो चलेगा, थैंक यू, बात करें।